हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। हमारे आज के टॉपिक पर आने से पहले एक नज़र हमारे इन कोचिया प्लांट्स पर और इन सुंदर सुंदर फूलों पर डालते हैं। कल फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस था और आपने देखा ही कितने लेख निकले, कितना कैंपेन चलाए जा रहे हैं हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए। हमारे चारों तरफ कितना प्रदूषण फैल रहा है, तो उनमें से एक उपाय पौधे लगाना भी है। और फ्रेंड्स, हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम अपने आसपास के वातावरण में पौधों को लगाएं, जो पौधे हैं उनको सेव करें। और नहीं ज़्यादा बाहर हम लगा सकते हैं, तो कम से कम हम अपने घरों में तो पौधे लगा ही सकते हैं। और पौधों का योगदान कितना अधिक है ये तो आप सभी जानते हैं हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में, क्योंकि हमें पौधों से ही शुद्ध वायु ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे लिए एक प्राणदायिनी है। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक ये सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट्स का है, और इस प्लांट्स को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये प्लांट्स फ्रेंड्स बहुत ही एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स माना जाता है। हमारे आसपास के प्रदूषण को ये कम करने में इसका बहुत योगदान होता है। तो ये ड्रेसना फैमिली से बिलोंग करता है, इसको ड्रेसना रिफ्लेक्सा भी बोलते हैं। तो इसकी दो वैरायटी, कई वैरायटीज़ आती हैं इसकी। मेरे पास ये देखिए, एक ये प्लेन पत्ती वाला है, ग्रीन पत्ती है इसकी देखिए, और एक ये वेरीगेटेड पत्तियाँ हैं। इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं और ये बहुत ही कॉमन प्लांट्स होता है, बहुत लोगों के घरों में पाया जाता है, लोग लगाते हैं इसको। इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं और ये एवरग्रीन प्लांट्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। आप एक बार लगा लीजिए, आपके घर में हमेशा रहेगा। और देखिए ये कितनी खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं। और ये बहुत हार्डी प्लांट्स भी है, बहुत कम केयर मांगता है और इसको लगाना भी बहुत आसान है। इसका प्रोपोगेशन बहुत आसान है, बरसात आ रही है, बस इसकी एक डंडी कट कीजिए और यहाँ से थोड़ी पत्तियां हटा करके आप सिंपल मिट्टी में लगा दीजिए, तो भी ये इसमें जड़ें आ जाती हैं और ये चल जाता है फ्रेंड्स। तो जिन हमारे पुराने भाई बहनों के यहाँ, तो सभी के यहाँ लगा होगा, लेकिन जो हमारे नए भाई बहन हैं वो इस प्लांट्स को ला करके लगा सकते हैं। और गर्मियाँ ही इसका ग्रोइंग पीरियड है, थोड़ा सा सर्दियों में ये डाउन पड़ जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और ये इंडोर प्लांट्स है, आउटडोर भी है। आउटडोर बस इसको डायरेक्ट सनलाइट से आपको बचाना है, नहीं तो इसकी पत्तियाँ बर्न करने लगती हैं। तो आप इसे शेड एरिया में रखें, लेकिन प्रॉपर इसको लाइट मिलनी चाहिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट्स है, ये देखिए। और लोकेशन की बात हो गई, अब पानी की बात करेंगे। तो इसे मॉइस्चर पसंद है, थोड़ा सा मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉकी नहीं रहनी चाहिए। वैसे भी हम लोग अपने प्लांट्स को वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करते हैं, और वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करने के एक भी फ़ायदा है, यदि कि हम सभी प्लांट्स को अपने अंदर नहीं रख सकते, बरसात आएगी तो पानी गिरता है, तो वेल ड्रेन मिट्टी होने से पानी निकल जाता है। तो इसलिए हमें अपनी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी होती है। ऐसे बिल्कुल कोई विशेष मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मिट्टी में लगा दीजिए, ये फिर चल जाता है पौधा, बहुत अच्छा चलता है देखिए। और इसको आप, ये लंबाई में ऊपर बढ़ता है, इसकी पत्तियाँ कुछ कुछ देखिए इस स्पाइडर वाले प्लांट की तरह इसकी पत्तियाँ होती है, लेकिन स्पाइडर प्लांट में एक ही नीचे रहता है और इसमें ये ऊपर की ओर बढ़ता है। और इसको आप कट कर दें तो वहाँ से कई ब्रांच, झाड़ी नुमा आपको बनाना है, तो देखिए मैंने यहाँ से इसको कट किया, तो देखिए इसमें से 3-4 ब्रांचेस निकल आई। तो कट करके इसको आप बड़ा झाड़ी नुमा पौधा भी बना सकते हैं। तो पानी आप इसको फवारा की तरह दीजिए, स्प्रे करके दीजिए। और खाद को तो हम कुछ इसमें देते नहीं है विशेष, वही फरवरी वगैरह में गोबर की खाद सभी पौधों में डालते हैं, तो इसमें भी डाल देते हैं। कोई विशेष फर्टिलाइज़र की इसकी ज़रूरत नहीं है। और बीच में चाहें तो आप थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र महीने दो महीने में डाल सकते हैं इसमें। और बीमारियों की बात करें तो इस पर मुझे तो कभी कोई अटैक दिखा नहीं, लेकिन अपने पूरे गार्डन पर ही कभी कभी स्प्रे करते रहते हैं हमेशा, कि कोई कीड़े मकोड़े अटैक ना करें, तो इस पर भी स्प्रे हो जाता है। तो यदि आपको लगे कि कोई इसमें बीमारी वगैरह कोई पत्तियों वत्तियों पर लग रही है, तो आप भी, इतने इंसेक्टिसाइड्स के स्प्रे आ रहे हैं और नीम ऑयल का स्प्रे है, तो आप इस पर स्प्रे कर दें। तो इतनी ही केयर है फ्रेंड्स की, कोई विशेष केयर नहीं, लेकिन प्लांट्स बहुत अच्छा है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट्स। आप अपने घर में लाएँ, लगाएँ। इसका गर्मियाँ देखिए, इसमें इस समय इसमें कितनी सुंदर पत्तियों की ग्रोथ हो रही है।
ये देखिए, ये हमारा सिंपल पत्ती वाला प्लांट्स है और ये हमारा वेरीगेटेड प्लांट्स है। वैसे तो ड्रेसिना के और भी कई कलर्स के प्लांट्स आते हैं, लेकिन आज ही हमने सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट ही चुना और ये बहुत एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स है, तो इसे आप अपने घर में ज़रूर शामिल करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।